वेल हेलो गाइस, स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल वॉच टॉप 10 में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल काफी बड़े प्रोजेक्ट्स रिलीज होने हैं, काफी बड़े बड़े बैनर्स की मूवीज आएंगी और काफी मूवी सीक्वल्स भी रिलीज होंगे, जिनको लेकर आपका तो नहीं पता लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही टॉप 10 मोस्ट एंटिसिपेटेड अपकमिंग मूवीज के बारे में जो इस साल 2021 में रिलीज होंगी। एंड हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में मैंने MCU या फिर DCU की एक से ज्यादा मूवीज कंसिडर नहीं की है, वरना आप जानते हैं पूरी लिस्ट में बस सुपर हीरो मूवीज ही दिखाई देंगी। नहीं दोस्तों, मैं इन 10 मूवीज के साथ कुछ बोनस मूवीज के बारे में भी बताऊंगा, जिनकी फिलहाल तो कोई कंफर्म रिलीज डेट नहीं आई है लेकिन चांसेस हैं कि वो भी इसी साल रिलीज हों। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, नो टाइम टू डाई, जिसको स्टार्ट करते हैं जेम्स बॉन्ड यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी नो टाइम टू डाई के साथ, जो कि इस यूनिवर्स की 25th फिल्म होने वाली है, जिस मूवी में हमें डेनियल क्रेग फॉर द फाइनल टाइम जेम्स बॉन्ड के अवतार में देखने मिलेंगे। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर कैरी जॉर्जी ने, जिनकी करियर की ये पहली बड़े बजट की मूवी होने वाली है। लेकिन हाँ, इससे पहले ये राइटर इट चैप्टर 1 का स्क्रीन प्ले भी लुक चुके हैं। मूवी का ट्रेलर तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अब देखना यही है कि ये मूवी भी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर उतर पाती है या नहीं, जो कि हमें 2 अप्रैल को मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। मूवी की स्टोरी तो आपको पता ही है कि जेम्स बॉन्ड अब एजेंसी छोड़ चुका है, लेकिन एक हाईटेक विलन को पकड़ने के लिए उसकी पुरानी दोस्त को उसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, जिसका रोल प्ले करेंगे रमी मलिक। तो इस मूवी में जेम्स बॉन्ड इस विलन का पीछा करते हमें दिखाई देंगे। बाकी उम्मीद करते हैं मूवी में एक्शन अच्छा ही देखने मिलेगा। एंड होपफुली जेम्स बॉन्ड यूनिवर्स की भी आखिरी मूवी होगी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये फ्रेंचाइज कुछ ज्यादा ही लंबी खींची जा रही है। नंबर 9, अ क्वाइट प्लेस 2। अ क्वाइट प्लेस 2 2018 में आई अ क्वाइट प्लेस का डायरेक्ट सीक्वल होने वाला है, जिसकी स्टोरी भी पूरी तरह अबॉट फैमिली पर मेनली फोकस करेगी, जिसकी रिलीज डेट को अब आखिरी बार 23 अप्रैल के लिए कंफर्म कर दिया गया है। इस बार मूवी में अबॉट फैमिली के साथ कुछ न्यू कास्ट भी हमें देखने मिलेगी, जैसे कि सिलियन मर्फी एमेट के कैरेक्टर में एंड जिमोन होनसू, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मूवी में किसी विलन का कैरेक्टर ही प्ले करते हमें नजर आएंगे। मूवी की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होगी जहां इसे पार्ट 1 में छोड़ा गया था, लेकिन इस बार स्टोरी में सिर्फ उन मॉन्स्टर का ही खतरा नहीं बचा है, बल्कि स्टोरी में एंट्री हो चुकी है कुछ न्यू विलन्स की, जो मेरे हिसाब से मूवी में बाकी बचे हुए लोगों को लूटेंगे या फिर किसी न किसी तरह उनकी जान के पीछे ही पड़ेंगे। इसलिए इस बार ये पार्ट और भी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाला है, जो कि हमें साफ साफ ट्रेलर में देखने पर पता भी चलता है। मूवी को डायरेक्ट भी वापस से जॉन क्रेसिंग की नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता ये मूवी हमें कहीं भी निराश करेगी। नंबर 8, द किंग्समैन। द किंग्समैन किंग्समैन सीरीज का तीसरा पार्ट होने वाला है, जो कि स्टोरी वाइज एक प्रीक्वल के तौर पर बनाया जा रहा है, जिसके हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली हम किंग्समैन एजेंसी की ओरिजिन देखेंगे। एंड हालांकि एक प्रीक्वल होने वाला है, इसलिए कोई भी सेम कास्ट वापस से हमें इस मूवी में तो एटलीस्ट नहीं देखने मिलने वाली। बात करें मूवी की रिलीज डेट की, तो फिलहाल के लिए मूवी की फाइनल रिलीज डेट 12 मार्च की रखी गई है, जो कि अब मेरे हिसाब से और आगे शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आप अभी तक किंग्समैन के यूनिवर्स से रूबरू नहीं हुए हैं, तो आपको बता दूं जॉन विक यूनिवर्स की तरह ही किंग्समैन यूनिवर्स भी अपने यूनिक फाइटिंग सीन्स एंड एक्शंस के लिए जाना जाता है, जिसका फाइटिंग स्टाइल सच में काफी इपिक है। इस मूवी को डायरेक्ट भी बाकी दोनों मूवीज की तरह मैथ्यू वॉन ही करेंगे, इसलिए मूवी बेकार होने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। नंबर 7, द कंजूरिंग 3। ये मूवी कंजूरिंग सीरीज की 3rd फिल्म और ओवरऑल द कंजूरिंग यूनिवर्स की 8th फिल्म होने वाली है, जो कि इस साल 4 जून को द कंजूरिंग द डेविल मेड मी डू इट के नाम से रिलीज की जाएगी। मूवी में वापस हमें वॉरन फैमिली ही देखने मिलेगी, जो कि किसी पजस्ड बच्चे का केस सॉल्व करते हमें नजर आएंगे, जिसे किसी डेविल ने अपने वश में कर रखा होगा। इतना तो पक्का है कि ये मूवी इस साल की बेस्ट हॉरर मूवी होने वाली है, लेकिन इसी के साथ एक बैड न्यूज भी है कंजूरिंग यूनिवर्स फैंस के लिए। एंड वो ये है कि इस बार मूवी को डायरेक्ट इस यूनिवर्स के क्रिएटर जेम्स वान नहीं, बल्कि माइकल केव्स करेंगे, जिन्होंने इससे पहले इसी यूनिवर्स की द कर्स ऑफ ला ला लोर्ना जैसी मूवी भी डायरेक्ट की थी, जो मुझे तो कुछ खास पसंद आई नहीं थी। बाकी अब देखना यही है कि वो अब इस मूवी के साथ ऐसा क्या करते हैं, जिसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स तो हमें इसके फर्स्ट ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगी। नंबर 6, द मैट्रिक्स 4। 2003 के 18 साल बाद फाइनली अब फैंस एंड ऑडियंस की डिमांड पर द मैट्रिक्स फिल्म सीरीज का हमें 4th पार्ट इस साल देखने मिलने वाला है, जो कि रिलीज होगा 22 दिसंबर को, जिसमें कियानू रीव्स का जॉन विक से ही पहले का लेजेंडरी नियो कैरेक्टर वापस हमें मूवी में देखने मिलेगा। कियानू रीव्स के साथ कैरी एन मॉस का ट्रिनिटी कैरेक्टर और प्रियंका चोपड़ा का भी कोई अननोन कैरेक्टर हमें इस मूवी में देखने मिलने वाला है, जिसकी फिलहाल तो कुछ भी डिटेल्स निकल कर अभी नहीं आई है। मूवी को बाकी मूवीज की तरह ही इस सीरीज के ओरिजिनल डायरेक्टर लाना वाचोस्की डायरेक्ट कर रही है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी भी बाकी मैट्रिक्स मूवीज की तरह एक बड़े बजट की अच्छी खासी एक्शन मूवी होने वाली है, जिसके स्लो मोशन सीन्स फिर से हमें होपफुली हैरान कर देंगे। एंड बात करें मूवी के प्लॉट एंड बाकी डिटेल्स की, तो वो सब हमें मूवी के फर्स्ट ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही कुछ पता चलेंगी।
नंबर 5 मॉर्टल कॉम्बैट। ये पूरा साल वार्नर ब्रदर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस बार वार्नर ब्रदर्स की तरफ से काफी सारे बड़े प्रोजेक्ट को थिएटर्स और उनके स्ट्रीमिंग चैनल HBO Max पर रिलीज करने की अनाउंसमेंट की गई है, जिनमें से एक इस साल रिलीज होने वाली रिबूट मूवी मॉर्टल कॉम्बैट भी है, जो कि एक लाइव एक्शन मूवी होने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है साइमन मैककॉर्ड ने, जिन्होंने अपने करियर में इससे पहले सिर्फ द नाइट टाइम इकोनॉमी जैसी एक शॉर्ट फिल्म ही डायरेक्ट की है। इस मूवी को लेकर अब आगे क्या करते हैं ये तो मूवी देखकर ही पता लगेगा, जो कि रिलीज होगी 16 अप्रैल को, क्योंकि मूवी के टीजर को देखकर कुछ ज्यादा खास इंप्रेशन तो ऑडियंस पर नहीं पड़ा। मूवी कास्टिंग से भी फैंस कुछ ज्यादा खुश नहीं है, बल्कि लोगों की डिमांड थी कि मूवी को जेम्स वन ही डायरेक्ट करें। कुल मिलाकर मूवी में कुछ अच्छा देखने मिलता है तो वह मूवी में दिखाए गए मॉर्टल कॉम्बैट कैरेक्टर्स और कास्टिंग में हीरोयुकी सनाडा और जो तस्लीम जैसे मार्शल आर्ट्स एक्टर। एंड अगर मॉर्टल कॉम्बैट गेम्स की तरह ही इस मूवी में वो सभी फैटेलिटीज स्लो मोशन में देखने मिल जाए तो मूवी देखने में मजा ही आ जाएगा। नंबर 4 F9 या फिर कहना चाहिए फास्ट एंड फ्यूरियस 9 हॉब्स एंड शो जैसी स्पिन ऑफ मूवी के बाद अपने यूनिवर्स की 10th फिल्म बन गई है, जो कि डायरेक्ट सीक्वल होने वाली है फास्ट एंड फ्यूरियस 8 की, जिसमें वापस से हमें चार्लिज थेरॉन एज अ विलन देखने मिलेंगी। मूवी के फाइनल रिलीज डेट 28 मई की रखी गई है, जिसमें वापस से हमें फास्ट एंड फ्यूरियस की पूरी कास्ट एक्सेप्ट ड्वेन जॉनसन एंड जेसन स्टैथम देखने मिलेगी, और साथ ही इस बार पता नहीं कैसे हर का कैरेक्टर भी मूवी में वापसी करेगा। एंड वो मरने के बाद वापस कैसे आया इसकी डिटेल मूवी देखकर ही हमें पता चलेगी। मूवी का ट्रेलर देखकर ही पता चलता है कि मूवी में हर बार की तरह बहुत सारा एक्शन देखने मिलने वाला है, जिसमें कुछ सीन्स भले काफी चाइल्डिश हो लेकिन होपफुली पूरी मूवी काफी अच्छी ही होगी। मूवी को डायरेक्ट भी जस्टिन लिन ने किया है, जो इससे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 5 और 6 डायरेक्ट कर चुके हैं, इसलिए उम्मीद है मूवी काफी अच्छी होगी। नंबर 3 वीनम 2। सोनी पिक्चर्स के अंडर रिलीज हुई एंटी हीरो कैरेक्टर वीनम पर बेस्ड मूवी का ये सीक्वल होने वाला है, जिसे रिलीज किया जाएगा वीनम लेट देयर बी कार्नेज के नाम से 25 जून को, जिसमें वीनम के कैरेक्टर में वापस से टॉम हार्डी ही देखने मिलेंगे। वो कार्नेज के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया है ज़ॉम्बीलैंड के फेम एक्टर वुडी हैरेलसन को। मूवी में पिछली बार की तरह इस बार भी एक वीनम लाइक एलियन क्रिएचर, जिसका नाम कॉमिक बुक्स के हिसाब से कार्नेज होगा, वीनम का मेन विलन होगा, जिसका मकसद भी होगा पूरी दुनिया में केओस मचाना। मूवी की बाकी डिटेल तो फिलहाल अभी बाहर नहीं आई है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसके फर्स्ट ट्रेलर रिलीज होने के बाद हमें पता चल ही जाएंगी। मूवी को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी इस बार एंडी सर्किस को मिली है, जो कि ब्लैक पैंथर और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में भी उलेसिस क्लो का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, एंड एज अ डायरेक्टर मोगली मूवी भी डायरेक्ट कर चुके हैं। अब देखना यही है कि वो इस मूवी के साथ क्या करेंगे, जो जल्दी हमें मूवी के पहले ट्रेलर से पता चल ही जाएगा। नंबर 2 द सुसाइड स्क्वाड। इस मूवी को आप भले ही पिछली सुसाइड स्क्वाड का सीक्वल कहें या फिर इसका रिबूट वर्जन, एक बात तो पक्की है कि इसका वेट तो आप सभी कर रहे होंगे, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के फेम डायरेक्टर जेम्स गन। अब इस मूवी के लिए लगभग सभी सुपर हीरो फैंस काफी एक्साइटेड होंगे, जिसके पीछे सीधे सीधे दो रीजन है। एक तो मूवी का डायरेक्टर एंड हार्ली क्विन, एंड दूसरा सबसे बड़ा रीजन है मूवी में इंक्लूड की गई इतनी बड़ी स्टार कास्ट, जो कि एवेंजर्स एंडगेम के बाद सबसे बड़ी कास्ट के साथ बनाए जाने वाली सुपर हीरो या फिर कहना चाहिए सुपर विलन मूवी होने वाली है। एंड इतने सुपर विलन को एक साथ एक स्क्रीन पर देखना आखिर कौन नहीं चाहेगा, जिसका टीजर या जितने भी बिहाइंड द सीन्स पर निकल कर आए हैं काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। बाकी मूवी के बारे में ज्यादा कोई डिटेल्स तो बाहर निकल कर नहीं आई है, जो कि हमें मूवी के फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर के बाद ही पता चलेंगी। एंड बात करें मूवी की रिलीज डेट की, तो फिलहाल के लिए मूवी की रिलीज डेट 6 अगस्त की रखी गई है। एंड फाइनली नंबर 1 स्पाइडरमैन 3। एमसीयू के अंडर आने वाले स्पाइडरमैन का थर्ड सीक्वल बिना किसी डाउट के इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है, जिसकी डिटेल्स स्टूडियो द्वारा काफी अच्छी तरह छिपाई जा रही हैं। मूवी की रिलीज डेट 7 दिसंबर की रखी गई है, इसके बावजूद भी मूवी के टाइटल डिटेल्स भी अभी तक बाहर नहीं आई। हालांकि काफी सारे रूमर्स एंड कंफर्मेशन मूवी को लेकर निकल कर आए हैं, जिसमें अमेजिंग स्पाइडरमैन से इलेक्ट्रो का कैरेक्टर और सेम रामी वाले स्पाइडरमैन से डॉक्टर ऑक्टोपस का कैरेक्टर हमें इस मूवी में देखने मिलने वाला है। इसका सीधा सीधा मतलब यही बनता है कि मे बी हमें इस मूवी में तीनों स्पाइडरमैन से क्रॉसओवर देखने मिल सकता है। इसके साथ ही मूवी में टॉम हॉलैंड एंड स्पाइडरमैन के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी देखने मिलने वाले हैं, जो कि मूवी में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को कंफर्म भी करते हैं। अब बाकी क्या रूमर्स हैं और क्या सच्चाई, ये तो ट्रेलर के आने के बाद वरना मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए दोस्तों, ये तो हो गए लिस्ट की टॉप 10 मूवीज। अब बात करते हैं कुछ उन मूवीज की जिनकी कोई कंफर्म रिलीज डेट तो नहीं आई, लेकिन होपफुली वो भी हमें इस साल देखने मिल सकती हैं। जिसमें सबसे पहले आती है ड्वेन जॉनसन स्टारर ब्लैक एडम, जो कि वीनम की तरह डीसी यूनिवर्स की एक एंटी हीरो बेस्ड सुपर हीरो मूवी होने वाली है, जिसकी लगभग प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी इस साल एंड मे बी दिसंबर तक हमें वो मूवी भी देखने मिल सकती है। इसके बाद आती है टॉम क्रूज स्टारर मिशन इम्पॉसिबल 7, जिसकी भी अभी कोई डिटेल्स बाहर निकल कर नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि ये मूवी भी हमें इस साल नवंबर के मंथ में देखने मिल सकती है। चलिए दोस्तों, ये थी मेरी पर्सनल फेवरेट टॉप 10 मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज, जिनका मुझे बेसब्री से इंतजार है। एंड आपको किन मूवीज का वेट है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए बिना कहीं मत जाना। हम जल्द लौटेंगे एक न्यू वीडियो में कुछ और टॉप 10 मूवीज या फिर किसी और रिव्यू के साथ। टिल देन, ओवर एंड आउट।